राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में एक ज्वेलर की दुकान लूटने की घटना सामने आई है। बदमाशों ने भरे बाजार, बंदूक और चाकू उड़ाकर 40,000 रुपए नगद और लाखों के जेवरात लूट लिए। खास बात यह है कि ये लूट की वारदात भरे बाजार की दुकान में हुई, जहां दो बदमाशों ने बंदूक की नोक पर महज 7 मिनट में पूरा खेल कर दिया। घटना मंगलवार देर रात की है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बारीकी से मामले की जांच शुरू की। कल रात में घटना हुई, सभी वरिष्ठ अधिकारी तत्काल हम लोग वहां पहुंचे थे और उस घटना किया गया। उस घटना में कई महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिल चुके हैं। आने वाले 2 दिन में पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस मामले में जो आरोपी हैं उनके बारे में प्रथम दृष्टया कुछ जानकारी आई। इसमें कोई पहचान का मिलकर कोई इसमें समझ में पुलिस छोटे छोटे बिंदुओं पर इसमें नजर रख रही है। खासतौर पर इसमें जो प्रारंभिक सुराग मिले हैं उस उम्मीद है कि जल्दी घटना का खुलासा हो जाए। सर, कितना सामान था, कितना नकदी था? कुछ प्रारंभिक तौर पे उन्होंने कुछ 35,000 रुपए नगद उसमें बताए हैं। उसमें 2 लाख रुपए के आसपास की चांदी और कुछ इन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया है, कुछ इनके वहां पे आभूषण और भी गए हैं, लेकिन उसका आज उसका डिटेल्स बताएंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पे इसमें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी ऐसी घटना का होना, और इस घटना को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस सीसीटीवी में कैद बदमाशों के हुलिये के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना के समय दुकान में सिर्फ दुकानदार अकेला मौजूद था। ऐसे में बदमाशों ने उसे बंदूक से धमका कर करीब 40,000 रुपए नगद और लाखों के जेवरात लूट लिए। वारदात के बाद बदमाश मोटरसाइकिल से भाग निकले। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम भी घोषित किया है।